हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीलू में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये ना दो तीन दिन का व्लॉग है, मतलब तो जिसमें मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने की है फ्रिज की क्लीनिंग, चिमनी की क्लीनिंग, और ये जो मंथली क्लीनिंग है ना, ये इसी में आती है। चिमनी क्लीनिंग करना, फ्रिज क्लीनिंग करना, मैं तो महीने में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको मतलब दो दिन पहले का है ना, जो मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने करेले की ना रेसिपी इसमें शेयर कर दी है आपको। मैं करेले ऐसे ही बनाती हूँ और फ्रिज क्लीनिंग करा था, तो उसकी भी इसी में ही वीडियो है आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने करेलों को ना काट के रख दिया था, उसमें नमक डाल के रख दिया था, और 3-4 घंटे के लिए ना करेले को काट कर और उसमें नमक डाल के रखा जाता है। तो बस उसके बाद मैंने धो के उसको छलनी में छान लिए थे, धो लिए थे अच्छे से करेले को। और इससे ना करेले ना कड़वे नहीं होते हैं, बिल्कुल खाने में ना कड़वे नहीं लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और यहाँ मैंने खूब सारी प्याज कट कर ली है लंबी लंबी, और मैंने इसको सौंफ में और सरसों के तेल में छोंक लगा दिया है। तो बस मैं ना करेले को ऐसे ही कट कर लेती हूँ। और आज ना करेले काफ़ी अच्छे थे, एक भी करेला ना ख़राब नहीं निकला था, बिल्कुल कच्चे कच्चे करेले थे। और नमक मैंने पहले डाल के भी रखा था और अभी भी डालना होता है। तो बस यहाँ मैंने करेले ना रख दिए हैं इसमें, मतलब और सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और बाद में ना इसमें खटाई के लिए हमने डालेंगे आमी। तो यहाँ मैंने हींग भी डाल दी है और आमी को मैंने अभी थोड़ी कट कर लूँगी। इतने पहले ना मैं इसको करेलों को ना छोंक लगा देती हूँ, उसके बाद मैं ना आमी को काट लूँगी धो के, क्योंकि ना करेलों को बनने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा। और इतने मैं आमी को काट लूँगी जितने करेले बनेंगे, क्योंकि करेले जब गल जाएंगे ना थोड़े से, मतलब 90% जब करेले गल जाते हैं उसके बाद ही ना आमी को कट करके डाला जाता है। और इस तरीके से जब मैं करेले बनाती हूँ ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। भरवा करेले भी बनते हैं, पर मैं बहुत कम बनाती हूँ करेले भरवा, इसी तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना एक तो इजी हो जाता है बहुत जल्दी से, और भरवा में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ मैंने आमी भी कट लिया, क्योंकि हमारे जो करेले हैं ना वो 90% हो गए थे, तो मैंने इसमें आमी भी डाल दी है कट करके। तो अब हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो बस मैं इनको एक डोंगे में बाउल में निकाल के रख लूँगी। यहाँ पे देखो एकदम आमी भी ना इतनी अच्छी आ रखी है इस टाइम पे, बहुत अच्छी वाली, तो काफ़ी अच्छी आमी थी ये भी। और करेले बस जब आमी डालते हैं ना, उसके बस 2 मिनट मतलब थोड़ी देर ही रखना होता है ढक के, उसके बाद हमारे करेले बनके हो जाते हैं तैयार। और ये कई दिन तक चल जाते हैं सब्ज़ी वगैरह दाल वगैरह के साथ, अलग से टेस्ट भी आ जाता है। उसके बाद दिखा रही थी मैं आपको दूसरे वाला है, आलू की जो पिट्टी होती है ना, इस आलू की पिट्टी को ना हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने सरसों का तेल ले लिया है, आलू मैंने उबाल लिए हैं, उसको मैंने मैश कर लिया है, जीरा डाल दिया इसमें और तेज पत्ता डाल दिया, 2 लाल मिर्च डाल दिए हैं, तो जो काली सरसों होती है ना वो डाल दिए हैं। जो डोसे में जो हम मसाला डोसा खाते हैं ना, तो उसमें जो उसकी जो फीलिंग होती है ना वो यही वाली होती है। तो मैं तो खैर इसमें ना मतलब टोस्ट बनाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं ना टोस्ट बनाने के लिए भी जब आलू की जो पिट्ठी तैयार करती हूँ ना वो ऐसे ही तैयार करती हूँ। पर इसमें मैंने प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है, सिंपल तड़का लगाया है और आलू की उबाल के जो मैश किए हुए हैं बस उसको लगाया है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम किसी भी चीज़ में जैसे समोसे वगैरह में या किसी और चीज़ में जब हमें आलू की फीलिंग भरनी होती है ना, तो ये वाला जो मसाला हम ऐसे तैयार कर सकते हैं काली सरसों डाल के। और कड़ी पत्ता वगैरह भी अगर डालें तो डाल सकते हैं। तो कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने तोड़ा नहीं था, तो इसलिए मैं भूल गई थी। पर इसमें कड़ी पत्ता की जो खुशबू आती है और कसूरी मेथी की जो खुशबू आती है ना, वो बहुत खाने को ना यम्मी बना देती है, दूर से ही खुशबू आ जाती है। जब ये बना रही होती ना तभी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और काली सरसों से ना काफ़ी अच्छी रौनक सी आ जाती है चीज़ों में, आलू की पिट्टी में भी। और यहाँ बस मैंने सिंपल से इनको मैश कर लिया है। और ये मैंने टोस्ट बनाए थे ब्रेड के, तो बस मैं ब्रेड के टोस्ट की ना पिक लेना भूल गई थी, मतलब वीडियो बनाना ही भूल गई थी क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे, तो बच्चों को दिए, खुद ने खाए और हस्बैंड को दिए। तो आज के नाश्ते में हमने यही बनाया था। तो उसके बाद मैं ना दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी वगैरह सब डाल दिए और ये थोड़ी देर मैश करूँगी, थोड़ी देर ढक के रखूँगी, और ये हमारा जो मिक्सर है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा आलू का।
पराठे के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर आलू के पराठे बनाना चाहे ना तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड में भी, समोसे में भी, डोसे में भी, और किसी तरह का जो चीलवा बनाते हैं ना तो उसकी फिलिंग में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस इंडिपेंडेंस डे पर जो पतंग वगैरह उड़ती है ना, तो छत पर हम लोग चले गए थे, बच्चे तो नहीं गए पर पति देव थोड़ा सा ना पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब ये नहीं उड़ा पाते हैं, पर इनको थोड़ा अच्छा लगता है देखना भी और उड़ाना भी, पर अब हवा भी नहीं चल रही थी और इन्होंने ज़्यादा उड़ाई भी नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि और ये पतंगें भी ना कट के आई हुई थी, छत पर खरीदी हुई नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही इंजॉय कर लिया हल्का फुल्का, बस ऐसे घूम लिए छत पर। तो यहाँ पर हमने फ्लैग ज़रूर लगा दिया था, हाँ हमने 2 दिन पहले फ्लैग ज़रूर लगा दिया था। तो इंडिपेंडेंस डे भी गया और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये है अमावस्या का दिन, सुबह का मैं नहा धो ली हूँ और बच्चे भी जाएंगे तो इसलिए मैं जल्दी ही नहा धो के ना पहले अमावस्या की जो पूजा होती है ना वो कर लूँगी, और रात को पूरी क्लीनिंग करके सोई थी किचन वगैरह की, मैं जैसे गैस वगैरह की डेली करती हूँ, लेकिन अब जो जिस दिन अकेले दिन अमावस्या होती है ना उस दिन तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करके और बिल्कुल दवा चिमटा वगैरह सब धो के ही रखती हूँ बिल्कुल क्लीन करके। तो बस यहाँ मैं स्टैंड ही लगा रही थी क्योंकि स्टैंड भी ना लगाए नहीं थे, रात को गीले थे, तो अब मैं लगा रही हूँ, और बर्तन वगैरह भी थोड़े बहुत लगाती रहूँगी क्योंकि ना ये ना जो बास्केट है ना ये भी खाली हो जाएगी ना, तो जगह थोड़ी सी खाली हो जाएगी स्लैब पर, और दूध भी आ गया है और अब पतिदेव नहाने गए हैं, तो उसके बाद मैं ना अब आटा वगैरह भी गूंद लूँगी और जो भी पूजा होती है अमावस्या की वो कर लेंगे, उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी लंच, पैक करना है क्योंकि उनका वो जाएंगे 7:30-8 बजे तक निकल जाते हैं दोनों। और बस यहाँ पर मैं लगी हूँ अपने सुबह सुबह के कामों में, और आज अमावस्या वेनसडे भी है, तो आज ही मैं ये व्लॉग मतलब बनाया है मैंने वीडियो, और आज ही मैं इसको अपलोड भी कर रही हूँ, तो मतलब एडिटिंग कर रही हूँ अभी, तो अभी अपलोड भी मैं आज ही कर दूँगी इसको। तो बस यहाँ आटा गूंदने के लिए मैंने ले लिया पानी, और पानी की मोटर भी चला दी है, पानी भी आ चुका है, और आज मैं 6 बजे से पहले मतलब 5:30 बजे मैं उठ गई थी, और क्योंकि ना 7:30 बजे तक बच्चों को तैयार करना है क्योंकि पूजा भी करनी है, मतलब बच्चों को तैयार किया मतलब उनका टिफ़िन भी पैक करना है, तो बस यहाँ गाय की रोटी वगैरह निकल गई थी, पूजा हमने कर ली थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच पैक करने के लिए। तो और आज मैं ना पराठे में ना ये बना रही थी कि ना थोड़े से जो वो होते हैं ना जो लच्छेदार पराठे वो बनाने की कोशिश मैं कर रही थी, पर ना मुझसे बने नहीं, तो पता नहीं कैसे बनते हैं, चलो देखूंगी मैं किस वीडियो में किसी में तो फिर बनाऊंगी, लेकिन मैंने 1-2 बार ज़रूर कोशिश करी, हाँ मैंने बनाए ज़रूर दोनों के इसी तरीके से पराठे मैंने बनाने की कोशिश की पर बना दिए, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं ना। तो बच्चों को लंच पैक करके दे देती हूँ, उसके बाद मैंने बनाई चाय, फिर हमने पी चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद मैंने झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी नहाने के बाद मंदिर वगैरह में से भी रसोई में से ही, लेकिन फिर बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने पूरे घर में से लगाई झाड़ू वगैरह, और यहाँ बस मैं दोनों के ही पैक कर लंच मतलब दोनों के पराठे बना के दे दूँगी, और करेले रखे ना तो आज मैं करेले ही दूँगी, अभी सुबह मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ी जल्दी भी थी ना सुबह के टाइम, तो इसलिए हाँ मैं भाई ये बनाने की ज़रूर कोशिश करी थी लच्छेदार पराठे। बस डेली के सारे काम करने के बाद मैंने मंथली क्लीनिंग मतलब जन्माष्टमी भी आने वाली है रक्षाबंधन भी, तो मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी किचन की। देखो चिमनी कितनी गंदी हो गई है ना, 1 महीना हो जाता है ना 1-1.5 महीना तो चिमनी इतनी गंदी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और बस इसको मैंने अब क्लीन कर लिया है, और
अभी थोड़ा 9 बजे का टाइम रखा है, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी ना उसके बाद ही बस मैंने इस वाली क्लीनिंग में लग गई हूँ, और ब्रश वगैरह निकाल लिए हैं, और ये जो विम जेल होता है ना मैं इससे साफ़ करूँगी, और गीजर मैंने ऑन कर लिया गर्म पानी में, जो चिमनी है वो बहुत अच्छे से क्लीन होती है, तो थोड़ा सा मैंने ये विम जेल डाल दिया इस पर जो इसकी जो चिमनी के जो ये होती है ना इस पर, और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, थोड़ी देर भिगो दिया था ताकि जो गंदगी है ना तेल वगैरह देख रहे हो कितनी गंदी हो जाती है, फूल जाती है, तो बस ये एक ना मंथली क्लीनिंग में आती है, जो फ्रिज साफ़ करना, चिमनी क्लीनिंग साफ़ करना और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जो मंथली में महीने में एक बार करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बस यहाँ मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ब्रश ले लिए मैंने दोनों तरह के, एक जो टूथब्रश होता है ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है ये चिमनी वगैरह की जो ये होती है इसको साफ़ करने के लिए, और एक ये बड़े वाला ब्रश, इन दोनों से ही मैं इस वाली मतलब चिमनी को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, और विम जेल से, और उसके बाद मैं थोड़ा सा जैसे बर्तन धोते हैं ना विम बार से उससे भी इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे भी ना काफ़ी अच्छी चमक जाती है, तो बस थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसके अंदर ब्रश उसके क्लीन कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो चिमनी जहाँ लगी हुई है ना वहाँ से भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो वहाँ भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर ये चिमनी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, साफ एकदम चमक गई है, और इसको मैंने थोड़ा सा ना पानी निकलने के लिए रख दिया है, और ये जो ये डिज़ाइन है ना मतलब स्पैरो का, तो इसको भी मैं इसके चिमनी के ऊपर ही रख देती हूँ, यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर मैं कमरे में आ गई थी, बैठ गई थी, और आके मैंने भी देख रहे हो कमरे वमरे भी सब क्लीन कर रखे थे पहले ही, झाड़ू वगैरह सब लगा दी है, और 2 मिनट बैठी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बैठना किस लिए, और मैंने फिर फ्रिज की सफाई भी शुरू कर देती हूँ, तो उससे पहले मैंने ये जो पानी निकल गया था ना चिमनी का, तो इसको थोड़ा सा साफ़ करके इसको भी लगा देती हूँ, और आप देख रहे होंगे कि वहाँ कोने में फॉर्चून का रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ना फॉर्चून आज आटा मतलब आज ही डाला है, तो सुबह सुबह पहले मैंने आटा डाल लिया था टंकी में, तो इसीलिए ये पॉलीबैग ना भी यहीं पर ही रखा हुआ है, तो इसमें ना मैं न्यूज़पेपर वगैरह भर के रख दूँगी बाद में अभी ऊपर जाऊँगी जब। तो बस यहाँ मैं आपको चिमनी दिखाई थी, चिमनी मेरी हो गई क्लीन, एकदम सुकून सा मिलता है कि किचन में ना जो सफाइयाँ वगैरह हो जाती है ना चिमनी वगैरह साफ़ हो तो अच्छा लगता है, तो बस यहाँ पर ये भी मैंने लगा दिया, ये जो चिड़िया का ये स्टैंड है पर अच्छा लगता है सुंदर सा, यहाँ पर डेकोरेशन भी हो जाती है इसकी। बस उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब नहीं बैठूंगी, अभी 9:30 ही बजे थे, तो मैंने चिमनी वगैरह क्लीन की ना, तो उसके बाद मैंने फ्रिज भी साफ़ करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ऊपर से दिखाया कि सारा सामान मैंने निकालना शुरू कर दिया फ्रिज का, क्योंकि फ्रिज में ना कोई मतलब फ्रिज वगैरह या जो भी कुछ अलमारी वगैरह साफ़ करो ना तो सबसे पहला काम होता है कि उसको खाली करना, तो बस मैंने सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे काजू बादाम वगैरह ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना ये बरसात के मौसम में ना बाहर ना ख़राब हो जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको फ्रिज में ही रखती हूँ, और टोकरी मेरी खाली दिख रही है सब्ज़ी की, क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ करना था ना, तो इसलिए मैंने सारी सब्ज़ियाँ नहीं ली हैं, बस कुछ टमाटर रखे हुए हैं, और ये कड़ी पत्ता तो मैंने कल तोड़ के लाई थी ऊपर से, तो वो रखा हुआ है, 2-4 हरी मिर्च और अदरक रखी हुई है, तो यहाँ बस मैंने पहले फ्रीजर में से भी सारे बर्फ़ के जो सामान होता है बटर होता है तो वो सब भी मैंने बाहर निकाल लिया है, और अब मैं कर लेती हूँ फ्रिज की क्लीनिंग,
और पहले मैंने उसमें ना थोड़ा सा ना विम जेली डाल दिया था बाउल में, एक में पानी डाल के। और यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको ना, ये मैंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई है बिल्कुल, तो शीशे के ऊपर ना कुछ भी गंदगी नहीं होती है। ये प्लास्टिक शीट ना मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल रही है, क्योंकि मेरे को मतलब प्लास्टिक शीट ना अच्छे से जल्दी से ना क्लीन भी हो जाती है, वो कोई ज़्यादा ना मतलब रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जैसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं उसी मैं विम जेल से उसी से साफ़ कर लेती हूँ। और ये प्लास्टिक शीट पर ही जो गंदगी होती है ना बस वही होती है, नीचे शीशे वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मैंने तो ना जो बोतल वगैरह के होते हैं ना उसमें भी लगाई हुई है, फ्रिज में जहाँ पर मैं बोतल वगैरह रखती हूँ वहाँ पर भी लगाई हुई है, क्योंकि जैसे किसान ये जो टमाटो केचप वगैरह होते हैं ना तो ये भी गिर जाते हैं कभी कभी, जैसे ढक्कन बंद नहीं कर पाते जल्दी से तो वह ना गिर जाते हैं, तो वो प्लास्टिक शीट पर ही गिरेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने विम जेल ले लिया, पानी ले लिया और एक कपड़ा ले लिया है। और फिर साफ़ करने से पहले सबसे पहले मैंने प्लग हटा दिया है फ्रिज का, और बंद पहले स्विच तो मैंने पहले ही ऑफ़ कर दिया था जब सामान निकाल रही थी तभी, और अब जब मैं गीले कपड़े से सब कर रही हूँ ना काम फ्रिज में सब क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने स्विच को मतलब प्लग को ही निकाल दिया। तो बस यहाँ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। पहले मैंने विम जेल के कपड़े से किया, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से किया, और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक शीट थी ना इनको भी मैंने मांझ मतलब धो के रख दिया अच्छे से, इतने इनका पानी नहीं चढ़ जाएगा, सूख जाएंगी, तो इनको मैं लगा लूँगी। और बास्केट वगैरह भी सब निकाल के धो लूँगी जो वेजिटेबल बास्केट वगैरह हैं। तो चलिए कर लेती हूँ सफाई किचन की, मतलब किचन की नहीं फ्रिज की। साफ़ हो गया है, तो मैंने सारे मसाले वगैरह जो मैं रखती हूँ फ्रिज में तो ये सब रखने शुरू कर दिए। और इसके नीचे मैंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई है ना, मतलब जो छोटी छोटी कट पीस में आ गई थी ना वो भी मैंने इसमें लगा दी है, और ऊपर भी बॉटल्स वगैरह में भी। और ये देखो कितना क्लीन हो गया बिल्कुल। और यहाँ जो ये मैट है इनको फ्रिज मैट बोलते हैं प्लास्टिक वाले, और ये ना मैंने ट्रांसपेरेंट ही लिए हुए हैं ताकि नीचे का सामान भी ना दिखाई दे दे जो फ्रिज में रखा हुआ ना इधर उधर, नहीं तो ना रखा रह जाता है कोई भी सामान तो वो दिखाई नहीं देता। अगर कोई वैसी वाली शीट होती है ना तो वैसे वाले मैट होते हैं जो कलरफुल होते हैं वो, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किए हैं, मैंने जो ट्रांसपेरेंट जो डोर मतलब फ्रिज मैट है ना वो यूज़ किए हैं। और मैंने सामान लगाना शुरू कर दिया फ्रिज में धीरे धीरे, जो भी है बटर वगैरह, क्योंकि जल्दी से ना बटर मेल्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रिज एकदम क्लीन हो गया है, बाहर से भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया इसको, और ऊपर से भी कर लूँगी जो ऊपर जो सामान रखा रहता है ना फ्रिज के, जो ये फ्लावर पॉट वगैरह ये भी, और सब्जियां वगैरह मेरी ख़त्म हो रखी हैं बिल्कुल, तो टोकरी बिल्कुल खाली है। अभी मैंने साफ़ करके ही लगा दिया, और सब पर मैंने मैट लगाए हुए हैं, और ऊपर से भी मैंने ये सब हटा के इनको भी धो लिया है जो फ्लावर पॉट मैंने लगाए हुए हैं उनको। और ये कपड़ा भी धोने के लिए डाल दूँगी, दूसरा कपड़ा लगा दूँगी यहाँ पर, या फिर इसको ही धो करके लगा दूँगी। और ये जो कछुआ रखती हूँ इसके ऊपर ये भी हटा दिया, ये भी धुलेगा। तो बस ऐसे ना मैं, ये देखो मैंने बॉटल्स वगैरह भी लगा दिया, सब अरेंज कर दिया है। और हाँ मैं ना कल ही सामान लेकर के आई थी ना, तो इसलिए सारा पैकेट्स में ना ऐसे ही रख दिया है मैंने, अभी जो दलिया वगैरह है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी, पर इनको मैं डब्बे में डाल करके रखूँगी अभी, धीरे धीरे डाल के रखूँगी। जो ट्रांसपेरेंट डब्बे होते हैं ना हमारे पास, जो जैसे नमक पारे वगैरह आते हैं, बिस्किट वगैरह आते हैं, तो ऐसे सामान में मैं रख दूँगी। और मैं बताई थी ना कि मेरे पास टमाटर और हरी मिर्ची है सब्जियों में, अभी और कुछ भी नहीं है जो फ्रिज में रखने लगे। प्याज और आलू तो है वो तो दूसरी बास्केट में रखे रहते हैं, पर जो फ्रिज में रखने वाली जो सब्जियां वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ख़त्म हो रही थी इसलिए नहीं मंगा रही थी कि फ्रिज पहले साफ़ करूँगी उसके बाद ही फ्रिज में सामान रखना शुरू करूँगी सब्जियाँ वगैरह। दूध वगैरह तो खैर होता है वो तो रखना होता है। और यहाँ मैंने इनको भी धो दिया है अच्छे से, क्लीन कर दिया, इनका पानी जब निकल जाएगा सारा निचड़ जाएगा ये सूख जाएंगे,
उसके बाद मैं फ्रिज के ऊपर लगा दूंगी कपड़ा लगा के। और ये ना दोनों देख रही हूँ मैं, दोनों वाइट हैं दोनों, और ऑरेंज वाइट ग्रीन इंडिपेंडेंस डे पे हो गया है ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा सा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो फ्लावर पॉट है काफ़ी सुंदर लगता है। और बस उसके बाद मैंने ना किचन में जो सारा सामान था उसको हटाया, क्योंकि काफ़ी सारा ना मतलब जो सूखे नींबू वगैरह भी होते हैं वो सब मैंने कूड़े में फेंक दिए। कुछ एक दो नींबू ना सूख जाते हैं जो टोकरी में पड़े होते हैं, तो बस यहाँ पर मैं ना इनको जो ये बस बर्तन वगैरह भी सब धो दिए थे जिनको नाश्ता वगैरह किया, मतलब पति देव को भी, वो भी अपना नाश्ता वगैरह उन्होंने भी कर लिया है। बीच में जब मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी तभी मैंने उनको नाश्ता वगैरह भी दे दिया था। और यहाँ मैं कॉलिन से ना ये पूरे कबर्ड मतलब कैबिनेट को ना पूरा बाहर से सारा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे निशान वगैरह हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ से इसको क्लीन कर लूँगी। एक तो वाइट ना तो हल्का सा भी दाग होता है ना तो वो दिखाई देता है, तो इसको ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है। तो बस इसको मैं करती रहती हूँ कॉलिन से साफ़, और कॉलिन से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और कॉलिन से ना काफ़ी अच्छा शीशा वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं, तो शीशा ना मैं साफ़ करती हूँ न्यूज़पेपर से कॉलिन को छिड़क के, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर से साफ़ कर देती हूँ। और ये दो बिल्कुल चमक गई हैं, और जो ये फ्लावर पॉट वगैरह रखे हैं ये जब सूख जाएंगे तो मैं इनको फ्रिज के ऊपर लगा दूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना,